हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेट के बारे में। आप लोग बात तो करते ही होंगे, जैसे कि ये जेपीजी इमेज है, जीआईएफ है, पीएनजी है, टीआईएफ, ईपीएस, इन सारी चीजों के बारे में आज डिटेल से समझने वाले हैं कि एक्चुअल में हमें इन इमेज फाइल्स की जरूरत क्यों है। भैया, इतने सारे इमेज फाइल्स की जगह हम एक ही फाइल क्यों नहीं बना लेते, ताकि हमें भी आसानी हो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना हो, ज्यादा समझने की जरूरत ना हो। लेकिन इन सभी इमेज फॉर्मेट्स का एक अपना काम होता है, प्रॉपर वजह से ये बने हुए हैं, ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। तो आज हम इसी चीज को अच्छे से समझेंगे कि ये इमेज फॉर्मेट कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बहुत सारे इमेज फाइल्स के बारे में तो जानते ही हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम जेपेग। हम अपने स्मार्टफोन्स में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स में भी यूज करते हैं। जेपेग फॉर्मेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही साथ हम बात करते हैं पीएनजी की, जीआईएफ की, टीआईएफ की, ईपीएस की। तो ये सारे फॉर्मेट्स को आज हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो दो ही टाइप के मेन इमेज फॉर्मेट्स होते हैं। पहला होता है रास्टर और दूसरा होता है वेक्टर। तो पहले हम रास्टर को समझ लेते हैं। रास्टर जो है वो एक ऐसा इमेज फॉर्मेट है जिसमें पिक्सल्स का यूज किया जाता है, यानी कि एक पिक्सल, दो पिक्सल, ऐसे पिक्सल 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 पिक्सल, बहुत सारे पिक्सल से मिलके आपका वो इमेज रेडी होता है। इसका फाइल साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसमें जो भी सेंसर, जैसे आपने कोई इमेज क्लिक किया, आपका सेंसर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है वो सारे इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करके सीधा सीधा रास्टर इमेज बन जाएगा। वो इमेज बिल्कुल लॉसलेस और अनकंप्रेस्ड होता है, इसलिए इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसके अंडर में भी बहुत सारे फॉर्मेट्स आते हैं, आगे चल के मैं आपको उन सभी के बारे में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि रास्टर इमेजेस जो भी होते हैं वो पिक्सल बेस्ड ही होते हैं, पिक्सल से इमेज बनती है और वो इमेज आपको शो होती है। वहीं दूसरी तरफ बात करूं मैं वेक्टर इमेजेस की, तो वेक्टर इमेजेस आप सोच रहे होंगे कि भैया उसमें पिक्सल है, इसमें भी पिक्सल होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें पिक्सल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, यानी कि जो भी एजेस हैं, अगर सीधी लाइन खींचनी है या फिर कुछ कर्व्ड है तो वो कर्व्ड के लिए कैलकुलेशंस होंगे कि भैया इतना डिग्री में ये है और इतना डिग्री में वो है, तो ये ऐसा कर्व्ड होके जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम होते हैं, मैथमेटिकली कैलकुलेशंस होते हैं, जिनकी वजह से आपका जो इमेज है उनका साइज तो नॉर्मल होता है, लेकिन उनका जो क्वालिटी है वो बिल्कुल अनकंप्रेस्ड होता है, वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यानी कि एजेस में आपको फर्क बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसका जो एज है, इसका जो कर्व्ड है, वो एकदम कैलकुलेटेड है। आप इस इमेज को अगर छोटे साइज में रखेंगे तो भी वो वैसा ही रहेगा, और उसे बहुत बड़े साइज में अगर आप प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके एजेस एकदम जोरदार रहेंगे, इनमें बिल्कुल भी नॉइस आपको देखने को नहीं मिलेगा। वही मैं बात करूं अगर इसके साथ रास्टर की, तो रास्टर इमेजेस पिक्सल बेस्ड होते हैं। अगर वो पिक्सल आपका छोटा सा इमेज है, अगर आप उसको बड़ा करेंगे तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा आपका इमेज, जो उसके कर्व्ड हैं वो सही शॉट नहीं दिखेंगे। तो ये अंतर होता है आपके रास्टर और वेक्टर में। बात करूं अगर वेक्टर की, तो वेक्टर में ईपीएस फॉर्मेट होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है अनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। इस फॉर्मेट में आपको लॉस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, आपकी जो इमेज की क्वालिटी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी, आप उसे छोटे में भी प्रिंट निकाल पाएंगे, बड़े में भी प्रिंट निकाल पाएंगे, आपको नॉइस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। वही बात करूं अगर मैं रास्टर इमेजेस की, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जेपेग की। जेपेग का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इमेज फॉर्मेट है। आप अपने स्मार्टफोन ले लीजिए या फिर आप कैमरास, डीएसएलआर ले लीजिए, वो सारे ही जगह आपको जेपेग का फॉर्मेट देखने को मिल ही जाएगा। नॉर्मल भाषा में कहूं तो जेपेग एक कंप्रेस्ड फाइल होता है, यानी कि जो रॉ इमेजेस होते हैं, जो नॉर्मल आपका कैमरा डीएसएलआर हुआ या फिर मोबाइल कैमरा हुआ, जो फोटोज खींचते हैं, जो सेंसर तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसे प्रोसेस किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, छोटा बनाया जाता है, ताकि आप इसका यूज कर सकें। सबसे ज्यादा यूज इसका वेब में होता है, क्योंकि भैया आपको फोटो खींचना है, आप वेब में अपलोड करना है, चाहे फेसबुक हो, चाहे
गूगल हो चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं भी आपको पोस्ट करना है तो उस पोस्ट के लिए आपको साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका वो इमेज ही 200 MB का होगा तो भैया आप उसको क्या देखेंगे, क्या समझेंगे और कैसे अपलोड करेंगे, डेटा का बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो स्पेस है, आपका जो स्टोरेज डिवाइस है, वो भी बहुत जल्द भरना चालू हो जाएगा। इसलिए जेपैक फॉर्मेट जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारी डेली लाइफ के लिए। हम सबसे ज्यादा यूज इसी फॉर्मेट का करते हैं। जहां इसके इतने सारे फायदे हैं, साथ ही साथ इसका नुकसान भी है कि भैया इसमें आप एडिटिंग सही शॉर्ट नहीं कर सकते। ये वैसे ही कंप्रेस है, मान के चलिए आपका रॉ फॉर्मेट में इमेज की साइज हुई 200 MB की, और जब आपका कैमरा या स्मार्टफोन उसे प्रोसेस करके देता है तो वो हो जाता है लगभग 5 से लेकर 10 MB 12 MB तक का। तो इतना कंप्रेस हो चुका है वो कि उसमें और एडिटिंग के लिए जगह नहीं होती है। अगर आपको अपनी फोटो को अच्छे से एडिट करनी है फोटोशॉप में या फिर कोई और ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे आप यूज करके अपने फोटो को और ज्यादा एट्रेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जेपीजी फॉर्मेट बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ही प्रोसेस हो चुका है वो इमेज, उसमें आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। फर्स्ट टाइम तो कैमरा या स्मार्टफोन खुद ही प्रोसेस कर लेते हैं, उस इमेज को सही शॉट बनाने की कोशिश करते हैं और उसे आपको प्रोसेस करके उसका आउटपुट जेपेग में निकाल के उसे सेव करके आपको दे देते हैं। वहीं अगर आप दोबारा इसे कुछ एडिट करेंगे, फिर सेव करेंगे, फिर तिबारा एक बार आप इसे एडिट करेंगे, फिर सेव करेंगे, तो जितनी बार आप इसे एडिट करके सेव करते जाएंगे इसकी क्वालिटी और ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी, यानी कि ये छोटा होता जाएगा, साइज भी कम होता जाएगा। तो इस वजह से एडिटर्स के लिए ये सही नहीं है, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो आपको रॉ और जेपीजी इमेज में जेपीजी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस करने के बाद कंप्रेस होके वो सेव हुआ होता है। इसमें जो क्वालिटी होती है वो भी ठीक ठाक होती है, नॉर्मल आंखों से आप देखेंगे तो बहुत अच्छी इमेज लगेगी आपको, और साथ ही साथ इसका जो फाइल साइज होता है वो भी कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसके बाद मैं बात करूं तो सेकंड नंबर में आता है हमारा GIF। इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट बहुत सालों तक पेटेंट में था, यानी कि नॉर्मल लोग इसका यूज नहीं कर पाते थे, ये किसी पैसिफिक चीज के लिए या पैसिफिक लोगों के लिए ही सेव्ड था, नॉर्मल पब्लिक इसका यूज नहीं कर पाती थी। लेकिन अब ये फ्री हो गया है, फ्री होने के बाद बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है। इसमें आप एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, यानी कि शॉर्ट वीडियोस, छोटे से बहुत ज्यादा छोटे वीडियोस के तौर पे आप इन इमेजेस को चला सकते हैं। साथ ही साथ ये बैकग्राउंड रिमूव के भी काम आता है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड है उसे आपको हटाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मेट है, हम मतलब इसका साइज भी बहुत ज्यादा छोटा होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 256 कलर ही होते हैं। अब 256 कलर होने की वजह से साइज छोटा हो जाता है, तो आप फ्रेम बाय फ्रेम एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा करके बहुत सारे लेयर्स आप इसमें लगा सकते हैं, जिससे इसका साइज भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है और साथ में आप एनिमेट भी कर सकते हैं। अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो ये सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है, मीम्स वगैरह के लिए और इस टाइप की छोटी मोटी चीजों के लिए इन GIFs का यूज किया जाता है। होने के लिए ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि इसमें कलर्स बहुत कम होते हैं, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी और बहुत ज्यादा शार्प एजेस और इस टाइप की चीजें इसमें देखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए बढ़िया है। इसके बाद आता है हमारा PNG फॉर्मेट। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। भैया हमको चाहिए था कि जेपीजी टाइप की थोड़ी सी क्वालिटी भी अच्छी खासी हो, ठीक ठाक, मतलब जेपीजी थोड़ी सी अच्छी, और उसके साथ में हमको चाहिए था कि बैकग्राउंड भी हमें रिमूव करना है, तो ये सारी चीजों के लिए बनाया गया PNG। PNG में आप अपना बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये भी कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट ही है, लेकिन इसमें आपको लॉस बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा, यानी कि ये लगभग लॉसलेस है आप बोल सकते हैं। इसमें क्वालिटी आपकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी के साथ ही साथ आपका जो फाइल साइज है वो भी बड़ा हो जाएगा, यानी कि आप इतना समझ लीजिए कि आपके PNG की जो फाइल साइज है वो बड़ी होती है, लेकिन साथ में क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और आपके बैकग्राउंड रिमूव करने का भी ऑप्शन इसमें मिल जाता है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम TIF में, TIF बोल लो या फिर TIFF बोल लो। इसका फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में आपके इमेज की सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी सेंसर आपका ले रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन, सारा कलर्स जो है वो सारा सब कुछ इसमें होता है, इसलिए इसका फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल लाइफ में तो हम इसे यूज करते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहूं तो ये बिल्कुल लॉसलेस होता है। लॉसलेस होने की वजह से इसका जो साइज है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये भैया
400-500 एमबी में एक छोटी सी इमेज होती है, लेकिन अगर आप इसे बड़ा करेंगे या बड़े साइज में प्रिंट करने के काम में अगर आप इसे लेके आएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। मेनली काम इसका प्रिंटिंग के लिए ही होता है। अगर आप बड़े किसी बैनर में या पोस्टर में इसे प्रिंट निकालेंगे तो भैया आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है, और बहुत जितना भी बड़ा आप इसे निकाल लीजिए इसमें आपको नॉइसेस बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे। ये साइज में तो बहुत बड़ा होता ही है, साथ ही साथ आपको क्वालिटी भी उस लेवल की देता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रॉ इमेजेस की। आपने अपने DSLR या फिर मोबाइल में, अगर आपका मोबाइल रॉ सपोर्ट करता है, रॉ इमेजेस आपको देता है, तो आपने मोबाइल में भी देखा होगा, और DSLR तो भैया रॉ इमेजेस क्लिक करता ही है, तो इसमें आपने बहुत सारे फॉर्मेट्स देखे होंगे जैसे .raw, .cr2, .def, .sr2, इस टाइप से बहुत सारे फॉर्मेट्स इसमें होते हैं। जो भी अलग अलग कंपनी है, जैसे कैनन के कैमरास हैं वो एक अलग फॉर्मेट आपको देंगे इसमें, और अगर निकॉन का कैमरा है तो वो एक अलग फॉर्मेट आपको देगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कंपनी के हिसाब से आपके फॉर्मेट्स थोड़े थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन मेन वो होता है रॉ इमेज फाइल ही। तो जब आप DSLR से कोई इमेज क्लिक करते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंसर में पहुंचती है, सेंसर पूरा का पूरा इमेज आपको दे देता है। यानी कि उसमें जितने भी कलर्स हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी पिक्सल्स हैं, वो सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। वो होती है रॉ इमेज फाइल, यानी कि उसमें कोई भी कंप्रेशन नहीं लगा है, वो बिल्कुल एक कच्चे माल की तरह है वो। यानी कि आप उसमें कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आपको उसमें, अगर एक्सपोजर आपको बढ़ाना है, कम करना है, ब्राइटनेस सेट करना है, कॉन्ट्रास्ट सेट करना है, तो सारे एडिटिंग के काम आप रॉ इमेज फाइल में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इतने सारे इंफॉर्मेशन की वजह से आपका जो फाइल साइज होता है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। यानी कि रॉ में अगर आप कोई इमेज क्लिक करेंगे तो लगभग मान के चलिए कि 200 से 300 MB के आसपास की आपकी वो इमेज बनेगी। उसके बाद वो कंप्रेस होती है आपके कैमरा में ही, आपके स्मार्टफोन में ही। कंप्रेस होने के बाद वो JPEG में कन्वर्ट होती है और आपको शो करता है वो 15 MB, 20 MB या फिर 10 MB का जो इमेज होता है वो आप देख सकते हैं या उसे शेयर कर सकते हैं। लेकिन वो कंप्रेशन के बाद JPG बनता है, कंप्रेशन के पहले वो एक रॉ इमेज होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा साइज का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका अच्छे से एक कंपैरिजन कर दूंगा, JPG वर्सेस रॉ इमेज फाइल, इन दोनों का कंपैरिजन अगर आप देख लेंगे तो आपको एक डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपको क्या यूज करना है और कब यूज करना है और कौन सा फॉर्मेट आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो सभी कुछ हो गया, JPG इमेज भी हो गया, आपका PNG भी हो गया, TIF भी हो गया, GIF भी हो गया, रॉ इमेजेस भी हो गए। इसके अलावा भी और बहुत सारे इमेज फॉर्मेट्स आते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं। यूज के जो हैं वो लगभग इतने ही हैं। इस वीडियो से आपको इतना तो अंदाजा हो ही गया होगा कि भैया इमेज फॉर्मेट्स क्यों हैं और क्या काम में आते हैं। मतलब सारे इमेज फॉर्मेट्स का अपना एक अलग काम है, इसलिए उनका ये फॉर्मेट बनाया गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपसे छूट ना जाए। अगर आपका कोई सुझाव हो या कोई बात कहनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।